हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं आपका थर्ड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो रहेगा इनकम टैक्स का। तो आप अगर पहले पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम ये वाला पार्ट शुरू करते हैं एंड इसको देख लीजिए। एंड इसमें हम कवर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबी के चैप्टर, दो चैप्टर को हम कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर पीजीबी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी कम नहीं है, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम शुरू कर देते हैं। और एक बात है, ये जो नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जो कि है सत्यरंजन क्लासेस, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारा अपडेट आप मिस करेंगे एंड बहुत सारा बेनिफिट आपके लिए ही सब बेनिफिट आ रहा है, तो इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी आइकन को बजा दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अगर आएगा पहले आपके पास ही जाएगा एंड इसको शेयर करिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है हम एंड ये सबसे आपका इजी चैप्टर है टैक्सेशन का, इनकम टैक्स का सबसे इजी चैप्टर। अगर बच्चों को पूछोगे तो वो बताएंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम जब पढ़ रहे थे ये भी हमारा फेवरेट चैप्टर था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर वन है, जयश्री ओन्स 5 हाउसेस इन इंडिया। तो जयश्री वो ओन कर रहा है 5 हाउसेस, मीन उसका ओनर है, 5 हाउसेस का ओनर है। ऑल ऑफ व्हिच आर लेट आउट, तो ऑल द हाउस आर लेट आउट। ठीक है, कंप्यूट द जीएबी ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या था। तो पहले हम देखेंगे क्या म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, व्हिच एवर इज हायर उसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, व्हिच एवर इज लोअर उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल रेंटल वैल्यू, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा उसके साथ एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे। उसमें से हम एक्सपेक्टेड रेंट जो भी अनरियलाइज रेंट, जो भी अनरियलाइज रेंट उसको डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद जो भी आएगा एक्चुअल रेंट उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसको बोलेंगे जीएबी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे रहेगा म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, जो भी हायर होगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, व्हिच एवर इज लोअर होगा उसको हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसको बोलेंगे जीएबी। ठीक है, तो हमारा यही रहेगा प्रोसीजर। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया एंड 5 हाउस का डिटेल्स दे दिया, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 उसका अमाउंट भी दे दिया है रुपीज में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू ले लेंगे एंड फेयर रेंट कंपेयर करेंगे। तो व्हिच वन इज हायर, तो यहाँ पे हायर कौन सा होगा, तो हायर ये वाला 90,000 होगा हायर एंड उसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड रेट नहीं है, तो यहाँ पे वही 90,000 होगा उसका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 90,000 होगा एंड उसके साथ हम कंपेयर करेंगे ये जो एक्चुअल रेंट, व्हिच एवर इज हायर कौन सा होगा, वही एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू जीएबी होगा, हायर वाला रहेगा यहाँ पे 90,000 रहेगा उसका जीएबी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा 60,000, उसके बाद ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा वही 60,000, उसके बाद इस दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हायर रहेगा 72,000 जीएबी। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है आपका, ये फेवरेट चैप्टर है। उसके बाद है यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा ऐसे तो 65,000 एक ही है, उसके बाद 58,000 के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा, तो यहाँ पे 58,000 है एक्सपेक्टेड रेंट, उसके साथ हम एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर रहेगा तो हायर रहेगा 60,000। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर रहेगा 25,000 हायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कंपेयर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ये जो 25,000 एंड इसको कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा तो हायर यहाँ पे 30,000 रहेगा हायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हायर रहेगा 80,000, उसके बाद ये 78,000 के साथ कंपेयर करेंगे इसको, जो भी लोअर होगा तो लोअर होगा 78,000 एंड उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो व्हिच एवर इज हायर तो 78,000 यहाँ पे होगा उसका जीएबी। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है ये, मेनली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में देखते हैं, बट आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम ऑलवेज उसका एनएवी क्या लेंगे, नील लेंगे। ठीक, एनएवी नील लेंगे। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर वन, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ऑलरेडी हम आंसर बता दिए हैं। उसके बाद चलो चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर टू है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे राजेश एक ब्रिटिश नेशनल है, राजेश रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वो एक ब्रिटिश नेशनल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, मीन्स यहाँ पे राजा ये इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ही ओन्स है हाउस इन लंदन, तो वो ओन कर रहा है हाउस इन लंदन में, ओन कर रहा है।
विच इज लेट आउट 10,000 यूरो पर मंथ, 10,000 यूरो पर मंथ वो लेट आउट का वैल्यू है. एंड द म्युनिसिपल टैक्स पेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 8,000 यूरो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022. तो उसमें से 8,000 टोटल वो पेमेंट कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स है 8,000 यूरो. एंड एक यूरो का वैल्यू है इंडियन रूपी में है 95,000 रुपीज है. एंड कंप्यूट करना है यहाँ पे राजेश का नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. तो यहाँ पे उसका नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे. तो पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल वैल्यू या जीएबी हम कैलकुलेशन करेंगे. जो भी एक्चुअल वैल्यू उसको बोलेंगे जीएबी. तो जीएबी कितना होगा, 10,000 है यूरो पर मंथ, तो 12 मंथ को कितना होगा. एंड एक यूरो का वैल्यू है 95 रुपीज. तो टोटल कितना होगा यहाँ पे हम कंप्यूट कर लेते हैं, 12 × 95. तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 1,14,00,000 है. 1,14,00,000 है उसका टोटल जीएबी. उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे. म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 8,000 यूरो है. तो 8,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 रुपीज. तो कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो रहा है 7,60,000. तो ये दोनों डिडक्ट होगा तो आ जाएगा उसका यहाँ पे 1,06,40,000, जो कि रहेगा एनएवी 40,000, जो कि रहेगा एनएवी. तो ये हो जाएगा उसका एनएवी. एंड यहाँ पे एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए चाहे वो इंडिया के इनकम या इंडिया के बाहर इनकम, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन को चलते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज एट वन एट बॉम्बे एंड वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स एंड द अदर एट दिल्ली व्हिच इज अनऑक्युपाइड. ठीक है, तो यहाँ पे मानस वो ओन कर रहे हैं 2 हाउस. पहला एक मुंबई में है जिसमें उसका फैमिली रह रहा है, एंड दूसरा अनऑक्युपाइड है जो कि दिल्ली में है. ठीक है, ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन ए रेंटेड हाउस. तो वो एक्चुअली चंडीगढ़ में रहता है, इसलिए वो वहां पे एक रेंटेड हाउस में रहता है. ठीक है, फॉर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन ए लोन 30 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 April 2020. तो वो जो बॉम्बे हाउस परचेज करने के लिए वो एक लोन लिया था 30 लाख का एट द रेट ऑफ 10%. एंड कब लिया था, 1 April 2020 में. ही हैज नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार. तो वो अभी तक कोई भी अमाउंट रिपेड नहीं किया है, मीन्स पूरा 30 लाख के ऊपर यहाँ पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ही हैज टेकन ए लोन फॉर 5 लाख एट द रेट ऑफ 11% पर एनम ऑन 1 October 2020 टुवर्ड्स रिपेयर. तो सेकेंड लोन लिया है रिपेयर्स के लिए. मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूंगा. कंप्यूट द डिडक्शन व्हिच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन बी, मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर एक डिडक्शन मिलता है, उसके बारे में पूछा है. रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन, तो लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे. तो यहाँ पे मानस 2 हाउस है उसका, एक है बॉम्बे में और एक है दिल्ली में है. तो हम प्रोविजन में पढ़े थे वो 2 हाउस को डीम टू बी लेट आउट अज्यूम कर सकता है. ठीक है, तो 2 हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड अज्यूम कर सकता है, डीम टू बी लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड अज्यूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा. 2 हाउस, तो 2 हाउस वो उसको लेट आउट नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड 2 हाउस को मान सकता है. ठीक है, ये है. ठीक है, उसके ऑप्शन में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए वो यहाँ पे क्या कर सकता है, चूज कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द आरसीसी. एंड उसका एनुअल वैल्यू नील लेंगे. एंड द अदर सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर उसके पास 3 या 4 है हाउस है सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए, तो 2 हाउस को उसके ऑप्शन में उसको सेल्फ ऑक्युपाइड यहाँ पे चूज कर सकता है. जो बैलेंस हाउस रहेगा उसको हम मानेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. एंड उसका जीएबी, जीएबी को हम मानेंगे किसको, एक्सपेक्टेड रेंट को मानेंगे जीएबी. ठीक है, ये है प्रोविजन. तो हम यहाँ पे 2 हाउस है, एक है उसका बॉम्बे में है एंड एक है दिल्ली में. तो 2 हाउस को वो उसको मान सकता है किसके लिए, सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए मान सकता है, क्योंकि दोनों हाउस में एक हाउस में उसका फैमिली रहता है, दूसरा हाउस अनऑक्युपाइड है. तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए वो यहाँ पे अज्यूम कर सकता है. तो दोनों हाउस का यहाँ पे क्या मानेंगे, उसका नेट एनुअल वैल्यू मानेंगे नील. ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू मानेंगे नील. उसके बाद हम इंटरेस्ट देखेंगे. तो इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट पेमेंट करेगा. एक बॉम्बे हाउस के लिए लिया था 30 लाख. ठीक है, 30 लाख 10% पर एनम लिया था. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नील होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो भी होगा तो वो नील हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा. बट इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट के लिए मिल जाएगा. तो इंटरेस्ट के लिए कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट
अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, यहाँ पे दो हाउस के लिए दो इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं, पहला वो लिया है 30 लाख का एक लोन लिया है, ठीक है, 30 लाख का एक लोन लिया है जिसके ऊपर हम कंप्यूट करेंगे 10%, 10% कंप्यूट करेंगे तो 3 लाख है, 3 लाख है, बट हम मैक्सिमम 2 लाख इंटरेस्ट ले सकता है क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो वहां पे मैक्सिमम 2 लाख ले सकता है क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे 2 लाख का इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन मिलेगा। अगर तीनों से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वहां पे क्या लेंगे, वहां पे हम लेंगे कि 30,000 मैक्सिमम मिलेगा। तो तीन कंडीशन क्या है, पहले तो वो जो हाउस वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या उसको एक्विजिशन मीन परचेज कर रहा है, ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है वो जो हाउस प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1998 या 1999 से बाद वो उसको परचेज या एक्विजिशन करना चाहिए। उसके बाद वो जो हाउस लोन जब से लिया है उसका 5 साल के अंदर उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे ये तो एक तो ये जो हाउस कंस्ट्रक्शन मीन्स एक्विजिशन के लिए ले रहा है एंड वो 1998 या 1999 के बाद उसको लिया है, एंड यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो उसको लोन जब से लिया है उसका 5 साल के अंदर वो कंप्लीट कर दिया है, इसलिए इसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स में लिख लेना है, एक सर्टिफिकेट इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट किया है एंड कब वो लोन लिया, लोन तो लिया था पता है बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए अज्यूम्पशन लेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाख का मिल जाएगा क्योंकि तीनों कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सेटिस्फाई कर दिया है। बट अगर देखेंगे तो दिल्ली हाउस के लिए जो भी हाउस प्रॉपर्टी लिया है वो किसके लिए लिया है, वो जो लोन लिया है 11% 5 लाख के ऊपर वो लोन लिया है किसके लिए, रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर करने के लिए अगर लोन देगा तो वहां पे कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन में नहीं आएगा, तो इसलिए वहां पे मैक्सिमम मिलेगा 30,000। तो अगर देखेंगे 5 लाख के ऊपर अगर देखेंगे 5 लाख के अगर देखेंगे 11% तो कितना होगा 55,000 है, बट यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया है तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा 30,000। तो दोनों अगर मिलाएंगे तो टोटल 2,30,000 हो रहा है, बट यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के केस में मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख, ये है इसका प्रोविजन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा। तो ये डिडक्ट होने के बाद तो यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो वो 2 लाख का लॉस होगा, ठीक है, 2 लाख का लॉस होगा क्योंकि नील से अगर 2 लाख लेस करेंगे तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें बुक्स में तो बुक्स में कहाँ पे दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है उसका प्रोविजन है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मैक्सिमम 150 मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल केस में मैक्सिमम 30,000 मिलेगा अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर रहा है या कंस्ट्रक्टेड कर रहा है, दूसरा है वो कैपिटल बोरो कर रहा है ऑन और आफ्टर 1999 के बाद, उसके बाद सच एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच कैपिटल वाज बोरोड, जब से वो लोन लिया था उसका 5 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल डिडक्शन अगर वो को ओन प्रॉपर्टी है, मीन्स अगर टू सेल्फ ऑक्युपाइड भी प्रॉपर्टी होगा तो वहां पे मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा अगर को ओन प्रॉपर्टी होगा, मैं बता देता हूँ, तो वहां पे दो ओनर के लिए 2 लाख मिलेगा, 4 लाख है, ठीक है, ये है प्रोविजन, उसका आंसर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए ये जो चैप्टर इजी है हम थोड़ा इसमें हमारा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हम ज्यादा टाइम देंगे कहाँ पे, सैलरी एंड आपका पीजीबीपी है एंड कैपिटल गेन है एंड टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद है इलुस्ट्रेशन नंबर 4 है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 क्या पूछा है, अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,30,000 पर एनम, तो अनिरुद्ध उसका एक प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,30,000 पर एनम, फेयर रेंट कितना है 1,10,000 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेट कितना है फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट वो है 1,20,000 पर एनम, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ, तो वो जो प्रॉपर्टी का रेंट है पर मंथ है एक्चुअल रेंट के लिए 11,000 पर मंथ है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो 11,000 ही रहा है। उसका अनरियलाइज रेंट है 11,000, तो अनरियलाइज रेंट है 11,000 है जो कि रियलाइज नहीं हो पाया एंड ऑल द कंडीशन ऑफ द रूल 4 आर सेटिस्फाइड, तो रूल 4 में 4 कंडीशन था, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। रूल 4 का 4 कंडीशन क्या था, तो पहला तो वो टेनेंसी बोनाफाइड था, मीन्स वो जेन्युइन होना चाहिए, उसके बाद वो ऑल द स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर रियलाइज रेंट, रेंट कलेक्ट करने के लिए सब स्टेप्स ले चुका है, उसके बाद वो अदर कोई भी प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया है, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि अनरियलाइज, बाद में पता चलता है कि वो उसको अलग एक रेंट में दे दिया है, घर दे दिया है, तो वहां पे नहीं चलेगा। उसके बाद वो सब स्टेप्स ले चुका है, वही 4 कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है कि सेटिस्फाइड हो गया है। अगर बुक्स में देखेंगे तो वो भी यह सब कुछ है हमारा बुक्स में, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ सब कुछ है, ये है चारों कंडीशन, ठीक है, ये चारों कंडीशन
यहाँ पे अगर रूल 4 का चार कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वहां पे ऑन रियलाइज रेंट वो एक्चुअल रेंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो वो क्या है, टेनस इज बोनाफाइड, दूसरा है टेनर वैकेटेड एक्चुअली एंड स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल वैकेट द प्रॉपर्टी, मींस वैकेट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। टेनर इज नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स एंड ऑल रीजनेबल स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट। तो चारों कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया है कि सेटिस्फाई कर दिया है। उसके बाद ये और क्या दिया है कि पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 10% पेमेंट क्या है, म्यूनिसिपल टैक्सेस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 40,000 पर ईयर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 40,000 पर ईयर है एंड कंप्यूट हिज टोटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो उसका हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा। वैकेट क्या है, क्या नहीं वैकेट नहीं किया है, ओनली अनरियलाइज रेंट है। तो हम यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कंप्यूट करेंगे किसको, इसको एंड इसको, ठीक है, इसको एंड इसको। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं, नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि नेम ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या लिखना है। तो व्हिच एवर इज हायर, वो हायर वाला है 1,30,000। उसके बाद हम फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट है सॉरी स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे 1,20,000। व्हिच एवर इज लोअर है वो है 1,20,000 है जो कि एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, तो एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है 11,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 एंड 11,000 ऑलरेडी अनरियलाइज्ड रेंट है, इसको डिडक्ट कर देंगे। तो कितना हो रहा है, 11,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 11,000, तो यहाँ पे 1,21,000 है, ठीक है। तो व्हिच वन इज हायर, तो हायर वाला रहेगा यही वाला 1,21,000 जो कि है जीएबी है। तो इसको थोड़ा नीचे करके, हाँ ठीक है जीएबी है, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स एमटी हम डिडक्ट कर देंगे। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, म्यूनिसिपल टैक्स है यहाँ पे 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, यहाँ पे है 1,30,000, उसका 10% है 13,000, इसको डिडक्ट करेंगे। जो भी आएगा उसको बोलेंगे एनएवी आएगा, तो यार आए 1,08,000 है, उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे आपका एक है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक है इंटरेस्ट। तो इसका 30% कंप्यूट करेंगे जो कि होगा 32,400 और एक है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट है 40,000, तो इंटरेस्ट यहाँ पे है 40,000। तो इंटरेस्ट यहाँ पे है 40,000, तो ये दोनों को डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 35,600, ठीक है 35,600 जो कि रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी IFHP, ठीक है IFHP। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन को, एंड ये उसका स्टेप दिया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 5 है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 दिया है गणेश हाजे प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 2,50,000 पर एनम। गणेश हाजे प्रॉपर्टी का है एंड दी फेयर रेंट इज 2,00,000 पर एनम, उसका फेयर रेंट है 2,00,000 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय दी रेंट कंट्रोल एक्ट 2,10,000, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, दी प्रॉपर्टी वाज लेट आउट ए रेंट है 20,000 पर एनम, उसका रेंट है एक्चुअल रेंट के लिए 20,000 पर एनम है। हाउएवर दी टेनेंट वैकेटेड दी प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2022 में, जो टेनेंट वो वैकेटेड दी प्रॉपर्टी एंड अनरियलाइज रेंट इज 20,000 अनरियलाइज रेंट एंड ऑल अदर कंडीशन ऑफ दी अनरियलाइज रेंट prescribed under rule 4 is satisfied and the municipal tax 8% of municipal valuation and interest on borrowed capital is 65,000 for the year, compute the income from the house property of the governance for the assessment year 2022-23। तो हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 2,50,000 एंड यहाँ पे है 2,00,000, तो हायर कौन सा होगा, तो हायर होगा 2,50,000 होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे 2,10,000 जो कि है उसका स्टैंडर्ड रेंट, फ्यूचरली लोअर उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 है। उसके साथ हम एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे, तो एक्चुअल रेंट कितना होगा, तो एक्चुअल रेंट अगर देखेंगे यहाँ पे वो ब्रैकेट कर दिया है 31 जनवरी में, तो 31 जनवरी में 31 दिसंबर तक कितना महीना है, तो 31 दिसंबर तक अगर देखेंगे यहाँ पे
20,000 क्योंकि हम वैकेंट रेंट को हम नहीं लेंगे, बट ऑन रियलाइज रेंट नहीं लेंगे. ऑन रियलाइज अगर देखेंगे 10 महीना वो माइनस 20,000 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 20,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000. उसके साथ हम ऐड करेंगे 2 मंथ का वैकेंट रेंट, तो 2 मंथ का वैकेंट रेंट 40,000 है, 20 × 2 40,000, तो टोटल हो जाएगा 2,20,000. उसके साथ हम कंपेयर करेंगे जो भी एक्सपेक्टेड रेंट ये वाला है, तो एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे कम है, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट हाँ कम है 2,10,000. तो इसीलिए हम इसको मानेंगे, ये जो 1,80,000 एक्चुअल रेंट को मानेंगे यहाँ पे, जो भी जीएबी मानेंगे, ठीक है, जीएबी यहाँ पे मानेंगे जो भी एक्चुअल रेंट 1,80,000, क्योंकि एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंट रेंट अगर ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वहाँ पे एक्चुअल रेंट को मानेंगे हम क्या, जीएबी मानेंगे. अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंट रेंट, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट को मानेंगे हम जीएबी. तो जीएबी आ गया. उसके बाद हम इसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, म्युनिसिपल टैक्स अगर देखेंगे यहाँ पे 8% म्युनिसिपल टैक्स एंड 65,000 है इंटरेस्ट, 8% सॉरी, तो 8% है म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल वैल्यू है 2,50,000, उसका 8% अगर देखेंगे ये है 20,000, ठीक है, तो 20,000 अगर लेस करेंगे तो ये हो रहा है 1,60,000. उसमें से हम 30% डिडक्ट कर देंगे जो आपका रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,60,000 का 30% अगर देखेंगे तो ये होगा 48,000 होगा. एंड यहाँ पे और क्या है, 65,000 है आपका इंटरेस्ट, तो उसको भी डिडक्ट करेंगे. तो डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा उसको बोलेंगे हम नेट नॉल वैल्यू, तो नहीं बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे. तो अगर इसको डिडक्ट करेंगे 1,60,000, तो 47,000 को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है. ऐसे ही आपको सोल्यूशन करना है. इससे मैं क्यों सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा एंड इसके साथ ही आपको सॉल्व करना है ये दो क्वेश्चन. जितना टाइम मैं ले रहा हूँ तो उतना टाइम आपको लेके सॉल्व करना है, ठीक है, 47,000, ठीक है. तो उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन को. तो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है. तो चलो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे जितना भी टाइम लगने को. तो पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी इंदिरा नगर बैंगलोर में है. पूर्णा का एक हाउस प्रॉपर्टी इंदिरा नगर बैंगलोर में है. सी स्टे, वो स्टे कर रही विथ हर फैमिली इन दी हाउस. तो उनकी जो भी हाउस है उनमें उनकी फैमिली के साथ वो स्टे कर रही. द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी नाइबरहुड 25,000 पर मंथ. तो सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट है 25,000 पर मंथ है, बट वो उसको सेल्फ ऑक्युपाइड आज रह रहा है क्योंकि वो उनकी फैमिली के साथ रह रही है. उसके बाद दी म्युनिसिपल वैल्यूएशन वैल्यू है वो है 2,80,000. म्युनिसिपल टैक्स पेड है 8,000, ये यूज नहीं होगा क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू नील होगा. उसके बाद दी हाउस कंस्ट्रक्शन बिगन इन अप्रैल 2015 विद ए लोन ऑफ 20,00,000. तो वो जो हाउस प्रॉपर्टी का काम कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ है, अप्रैल 2015 से शुरू हुआ है 20,00,000 में. एंड वो जो 20,00,000 टेकन किए हैं एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, एंड वो 9% पर एनम इंटरेस्ट दे रहा है 5 अप्रैल 2015 से. उसके बाद द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ऑन 30/11/2017 एंड द एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 30/2017 है 3,60,000. ऑन 31/2022 पूर्णा पेड 2,40,000 व्हिच इज इंक्लूडेड 1,80,000 एज इंटरेस्ट. तो यहां पे वो मेन लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था 20,00,000 का इसमें से एसबीआई हाउस फाइनेंसिंग लिमिटेड से 9% इंटरेस्ट में. उसके बाद वो जो एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट बता दिया है जब तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, मींस प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बता दिया है 3,60,000. तो यहाँ पे 1/5 अलाउ होगा प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट के लिए. एंड यहाँ पे वो उस साल के लिए वो रिमेमेंट किया है जो भी अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है इंक्लूड हुआ है 1,80,000 एंड यहाँ पे प्री एक्विजिशन 3,65,000 है, ठीक है. ये दोनों इंटरेस्ट है. देयर वाज नो प्रिंसिपल रिपेमेंट प्रायर टू इट्स डेथ. कोई भी प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं किया था, ओनली वही प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहा है यहाँ पे जो 2,40,000 से 60,000 प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहा है एंड 1,80,000 फॉर द इंटरेस्ट. कंप्यूट पुन्नाज इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी. तो पुन्नाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे. तो यहाँ पे वो तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है इसलिए उसका एनएवी नील ले लेंगे, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका एनएवी नील ले लेंगे. एंड यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, हम इंटरेस्ट डायरेक्ट डिडक्ट करेंगे. इंटरेस्ट 2 टाइप्स का है, एक है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, दूसरा है आपका पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट. तो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कितना है 3,60,000, उसका 1/5 है, 1/5 है प्लस और क्या रहेगा यहाँ पे 1,80,000 है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 72,000 एंड यहाँ पे है 1,80,000.
तो टोटल हो रहा है 2,52,000, 2,52,000, बट मैक्सिमम यहाँ पे हम अज्यूम करें कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा है एंड उसको 5 साल के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है, लोन जब से लिया है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। तीसरा है वो 1999 के बाद ये लोन लिया है तो इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा 2 लाख, नहीं तो 30,000 इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता, बट यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए 2 लाख का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका इनकम फ्रॉम मीन्स लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख, ठीक है। ये हो गया उसका क्वेश्चन नंबर, इलुस्ट्रेशन नंबर मेनली चल रहा है 6 है, बहुत सारे इलुस्ट्रेशन है एंड टॉप टॉप इलुस्ट्रेशन है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें, तो मेनली डाउट नहीं रहता है फिर भी हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद है श्रीमती राजलक्ष्मी ओन से हाउस प्रॉपर्टी एट आदियार चेन्नई, तो यहाँ पे श्रीमती राजलक्ष्मी वो एक हाउस प्रॉपर्टी ओन की है आदियार इन चेन्नई में, वो हाउस प्रॉपर्टी ओन की है। उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 5 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 5 लाख है, फेयर रेंट है 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000, दी प्रॉपर्टी वाज लेट आउट 50,000 पर मंथ, तो प्रॉपर्टी लेट आउट है 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2021, मींस ये दिसंबर तक लेट आउट है वो प्रॉपर्टी 50,000 पर मंथ एक्चुअल रेंट के लिए। देयर आफ्टर दी टेनेंट वैकेटेड दी प्रॉपर्टी, उसके बाद टेनेंट वैकेट कर रहा है प्रॉपर्टी, उसके बाद श्रीमती राजलक्ष्मी ने उस हाउस को यूज की फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। उसके बाद रेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर वुड नॉट रियलाइज, मींस अनरियलाइज्ड रेंट है आपका नवंबर एंड दिसंबर मंथ का रेंट है। द ओनर्स एफर्ट, एफर्ट सब कुछ लगा चुका है, मींस जो भी कंडीशन है रूल नंबर 4 में उसको सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसीलिए हम नवंबर एंड दिसंबर मंथ का रेंट उसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, डिडक्ट कर देंगे, ओनली आप लेंगे अक्टूबर मंथ तक, ठीक है। एंड सी पेड म्यूनिसिपल टैक्स 12% ड्यूरिंग द ईयर एंड सी पेड इंटरेस्ट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, तो रिपेयर के लिए 25,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, चलेगा 30,000 तक अलाउ होता है। एंड कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहले कंपेयर करेंगे किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 लाख एंड 4,20,000 व्हिच एवर इज हायर, तो हायर है 5 लाख है, उसके साथ कंपेयर करेंगे 4,80,000 है, व्हिच एवर इज लोअर, तो लोअर होगा 4,80,000, इसको मानेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे ईयर मानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल रेंट कितना है एंड अनरियलाइज रेंट इसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 50,000 पर मंथ है, यहाँ पे 9 मंथ के लिए वहां पे वो टेनेंट रहा है बट उसमें से अनरियलाइज रेंट है 2 मंथ के लिए, मीन 7 मंथ एक्चुअली वो रुका है, वो जो भी 7 मंथ के लिए वो रुका है उसको हमने एक्चुअली वो पेमेंट किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 3,50,000 है, तो 3,50,000 और आपका एक्सपेक्टेड रेंट है 4,80,000 व्हिच इज हायर, तो ऑब्वियसली 4,80,000 है हायर, तो 4,80,000 है उसका एनएवी, एनएवी नहीं है जीएवी, उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स लेस करें, म्यूनिसिपल टैक्स है 12% किसके ऊपर, ये जो 5 लाख के ऊपर, तो 5 लाख के ऊपर अगर 12% काउंट करेंगे तो यह आ रहा है 60,000, तो 60,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो यह आ रहा है 4,20,000 आ रहा है। 4,20,000 से हम यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, 4,20,000 का 30% है 1,26,000 है, उसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे, जो भी इंटरेस्ट है दोनों को लेस करेंगे 25,000, तो लेस करने के बाद जो भी अमाउंट रहेगा इसको भी डिडक्ट करेंगे, तो ये हो रहा है -4,20,000, तो ये हो रहा है 2,69,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्यूट होता है, हम तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। चलो नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन ये थोड़ा टफ है क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा, आपको चूज करना है कि कौन सा बेटर हाउस है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है। तो गणेश आज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द पर्टिकुलर हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 आर एज ऑनर, तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया, हाउस नंबर 1, 2, 3, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया, फेयर रेंट दे दिया, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेज ये दे दिया है, कंप्लीशन या परचेज ये सब ले लिया है, उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पेड 12%, 8% एंड 6%, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, तो रिपेयर के लिए 55,000 का लिया है बट यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि रिपेयर के लिए मैक्सिमम, अगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेता है तो 30,000 मिलेगा, अगर उसको लेट आउट लेता है तो वहां पे पूरा 50 एलओपी के केस में पूरा 55,000 मिल जाएगा, एसओपी के केस में 30,000 मिलेगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या हम अजम्पशन लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर ऑन मंथली बोरोड
यानी अप्रैल 2015 था द परचेज ऑफ हाउस नंबर। तो यहाँ पे हाउस नंबर 3 के केस में 1,75,000 का एक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, गवर्नेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, हम उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे एंड सजेस्ट करेंगे कि व्हिच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गवर्नेस टू बी असेस्ड सेल्फ ऑक्यूपेशन सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। तो यहाँ पे गवर्नेस कौन सा हाउस चूज करेगा जिससे उसका टैक्स लायबिलिटी मिनिमम होगा, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी मिनिमम होगा। अगर देखेंगे कोई भी असेसी के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो दो हाउस को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले सकता है, यहाँ पे थ्री हाउस है, तो यहाँ पे थ्री हाउस है, कौन सा हाउस को वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लेगा, कौन सा दो हाउस को एंड कौन सा एक को वो डीम्ड टू बी लेट आउट मानेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे तीन ऑप्शन देखेंगे, तीन ऑप्शन में क्या लेंगे, पहला ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट 1 और 2 को मानेगा वो एसओपी, एसओपी मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड जो थर्ड हाउस को मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड थर्ड हाउस को मानेगा एसओपी एंड सेकेंड हाउस को मानेगा वो डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, या थर्ड ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सेकेंड एंड थर्ड हाउस को मानेगा एसओपी एंड फर्स्ट हाउस को मानेगा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो ये तीनों ऑप्शन देखेंगे। उससे पहले हम पहले यहाँ पे डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का हम सब ऑप्शन में मीन सब हाउस का हम पहले उसका लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। जो भी इनकम जहाँ पे कम होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी ऑप्शन में कम होगा तो उसको हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले तीनों हाउस का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका कितना होगा नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, एनएवी मीन्स हाँ एनएवी एंड उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, ठीक है। तो ये तीनों हाउस का हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का एलओपी में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, एलओपी ऑप्शन में कैलकुलेशन कर देंगे इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये दोनों को भी जो भी हायर होगा उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा तो इसको हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट तो कुछ भी नहीं दिया है, फेयर रेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाउस के केस में 3,50,000 को मानेंगे उसका, 3,50,000 उसमें से हम 30% डिडक्ट करेंगे, ठीक है, 3,50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे 2,45,000 मानेंगे उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये ऑप्शन में है 2,45,000 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में देखेंगे ये दोनों में हायर देखेंगे, उसके बाद इसके साथ कंपेयर करेंगे जो भी लोअर होगा। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, एक्चुअल रेंट, तो इसलिए हम जो भी एक्सपेक्टेड रेंट को मानेंगे उसका एनएवी मानेंगे एंड म्युनिसिपल टैक्स भी दे दिया है, तो ये ऑप्शन में आपका वैल्यू होगा, मैं बता देता हूं, यहाँ पे होगा 3,50,000 उसमें से अगर 12% डिडक्ट करेंगे 3,00,000 का 12%, तो 12% है 36,000 है जो कि म्यूनिसिपल टैक्स, वो डिडक्ट करने के बाद एनएवी रह जाएगा इतना, कितना रहेगा 3,50,000, तो ये रह जाएगा 3,14,000 है, उसमें से हम यहाँ पे 30% डिडक्ट करेंगे तो 30% कितना होगा, तो ये आ जाएगा 2,90,000 आ जाएगा पहला ऑप्शन में, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का ये आ जाएगा 2,19,800। तो सेकेंड हाउस का देखेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो भी लोअर होगा ये होगा 3,60,000, तो 3,60,000 से हम लेस करेंगे, 3,60,000 का अगर 8% देखेंगे 28,000 ये होगा, म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा 28,800, तो इसको हम डिडक्ट करेंगे इसमें से 3,60,000 से हम डिडक्ट करेंगे ये जो 28,800, तो जो भी रहेगा उसमें से हम 30% लेस करेंगे, जो भी रहेगा उसमें से 55,000 डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,76,840 रुपीज, ठीक है, 840 रुपीज। उसमें थर्ड ऑप्शन जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन में पहले ये दोनों कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा 3,75,000, तो 3,75,000 यहाँ पे पहले म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन कर देते हैं कितना परसेंट है, तो 6% है, तो 6% होगा यहाँ पे 19,800, तो 19,800 डिडक्ट कर देंगे किसमें से,
375,000 से हम डिडक्ट कर देंगे 19,800, तो डिडक्ट होने के बाद जो भी रहेगा उसका 30% डिडक्ट करेंगे एंड जो भी बैलेंस रहेगा उसमें से 1,75,000 डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये बन रहा है 73,640, ठीक है, 73,640, ठीक है। तीनों ऑप्शन का इंस्टीट्यूट भी यही कैलकुलेशन किया है, तो तीनों ऑप्शन का ऑलरेडी ये इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कैलकुलेशन कर दिया है। उसके बाद हम पहला ऑप्शन को जाएंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन को जाएंगे। तो पहला ऑप्शन में यहीं पे पहला ऑप्शन में क्या करेंगे, यहीं पे हम कैलकुलेशन कर देंगे। पहला दो हाउस को मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड थर्ड हाउस को मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे पहला दो हाउस को हम मानेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। तो डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। तो पहला दो हाउस को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो पहला दो हाउस का एक हाउस में जो यहीं पे आ जाइए, तो फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में हाउस नंबर वन का वैल्यू लेंगे लीन, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाउस नंबर टू का वैल्यू लेंगे कितना, 30,000 नेगेटिव लेंगे, ठीक है, 30,000 नेगेटिव लेंगे। तो कितना होगा यहाँ पे, तो नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000 नेगेटिव में एंड थर्ड हाउस को मानेंगे लेट आउट। तो थर्ड हाउस का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे है 73,640। तो इसको डिडक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन में आ जाएगा 43,640 पहला ऑप्शन में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या होता है, पहला एंड थर्ड वाला हाउस को हम मानेंगे क्या, पहला थर्ड वाला हाउस को मानेंगे एसओपी। तो पहला हाउस का नील मानेंगे एंड थर्ड वाला हाउस को मानते हैं कितना नेगेटिव में, वहां पे हो जाएगा 1,75,000 नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला हाउस का मानेंगे, ये जो सेकंड वाला हाउस का वैल्यू हम कैलकुलेशन जो भी किए हैं, तो सेकंड वाला हाउस का वैल्यू कितना है, 1,76,840 रुपीज। तो इसको डिडक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो रहा है 1,76,840 रुपीज माइनस 1,75,000, तो ये हो रहा है 1,840। ये ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन के लिए। एंड थर्ड वाला ऑप्शन में क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड हाउस को मानेंगे आपका एसओपी। तो सेकंड एंड थर्ड हाउस को मानेंगे एसओपी, तो सेकंड एंड थर्ड हाउस को एसओपी मानेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड हाउस का वैल्यू देख लेते हैं, नेगेटिव में आया है तो सेकंड हाउस का वैल्यू है 30,000 नेगेटिव में आया है एंड थर्ड हाउस का वैल्यू आया है 1,75,000, ठीक है, 1,75,000 आ गया है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे 2,05,000 हो रहा है लॉस, बट मैक्सिमम लॉस कितना यहाँ पे हो सकता है नील, तो वो 2,00,000 मैक्सिमम हो सकता है उसका जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी लॉस है मैक्सिमम 2,00,000 हो सकता है। तो इसीलिए ये दोनों मिलकर 2,00,000 है एंड हाउस नंबर वन का जो भी देखेंगे वो है 2,19,800। तो यहाँ पे मैक्सिमम वो 2,00,000 सेटअप कर सकता है एंड जो भी बैलेंस रहेगा 19,800 वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे लोअर इनकम कौन सा ऑप्शन में है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन में। तो हाउस नंबर वन एंड थ्री को मानेंगे हम यहाँ पे एसओपी एंड हाउस नंबर टू को मानेंगे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। समझ आ गया, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है, तो चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रेम ओन से हाउस इन माड्रास। तो यहाँ पे प्रेम वो एक हाउस ओन किया है माड्रास, जो कि चेन्नई में है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2022 2/3% ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 2021 एंड 2022 में 2/3 हाउस को वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज किया है एंड 1/3 ऑफ द हाउस टू बी लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ए रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। तो 1/3 को रेंट में दिया है जो कि 8,000 पर मंथ है। म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया है 3,00,000, तो उसका 1/3 लेंगे जो भी लेट आउट के लिए एंड एसओपी के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, वहां पे नील ले लेंगे डायरेक्ट। फेयर रेंट का भी हम 1/3 लेंगे 2,70,000 का एंड स्टैंडर्ड रेंट का भी 1/3 लेंगे। तो यहाँ पे ही पेड द म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद ए लोन 25,00,000 वाज टेकन ड्यूरिंग द ईयर 2017 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 2022 वाज 1,20,000। कंप्यूट द प्रेम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे उसका दो हाउस प्रॉपर्टी, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड दूसरा है लेट आउट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल एसओपी का पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो एसओपी का होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का है 2/3 है पोर्शन। तो टोटल है उसका एनएवी नील है, उसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा,
इंटरेस्ट होगा 1,20,000 दिया है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है। 1,20,000 का इंटरेस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में हम उसके ऊपर चार्जेबल करेंगे तो 80,000 यहाँ पे है इंटरेस्ट, तो 80,000 यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है पहला जो एसओपी का। एलओपी का चलो चलते हैं, तो एलओपी का केस में पहले देखेंगे हम उसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या लेंगे, तो एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे कितना होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट अगर देखेंगे ये तीनों में सबसे पहले इसको इसको कंपेयर करेंगे, पहले ये अमाउंट एंड ये अमाउंट को कंपेयर करेंगे, उसका 1/3 है तो जो भी हायर रहेगा उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर रहेगा तो यहाँ पे 1,00,000 रहेगा, 1,00,000 रहेगा उसका एक्सपेक्टेड रेंट, 1,00,000 रहेगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट जो कि 96,000 है, क्योंकि वो 8,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मंथ के लिए, तो व्हिच एवर इज यहाँ पे हायर कौन सा है, ये वाला है 1,00,000 है, तो जो भी ये रहेगा 1,00,000 व्हिच एवर इज हायर इसको बोलेंगे जीएपी। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे एम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना है देख लेते हैं, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू 1,00,000 के ऊपर हम म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है, 10% है, तो यहाँ पे 10,000 लेस करेंगे क्योंकि 1,00,000 का 10% है 10,000, तो ये 10,000 डिडक्ट करेंगे तो ये 90,000 हो रहा है, तो 90,000 का हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% डिडक्ट करेंगे तो 30% कितना होगा 27,000, एंड हम इंटरेस्ट भी डिडक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, यही 1/3 होगा किसका, 1,20,000 का, जो कि होगा 40,000 है। ये दोनों को अगर डिडक्ट करें कितना हो रहा है, तो 90,000 माइनस हो जाएगा 67,000, तो ये आ रहा है 23,000 पॉजिटिव में आ रहा है, बट ऊपर हम 8,000 नेगेटिव में है ये वाला, तो दोनों को अगर सेटअप करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगा, कितना आएगा 57,000 लॉस आएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस आएगा, मेनली लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे आपका नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन जो कि इलुस्ट्रेशन नंबर है 10 है, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 को चलते हैं, तो यहाँ पे दिया है मिस्टर आनंद सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2021, तो आनंद वो सोल्ड कर रहे हैं उनका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 2021 में। इन जून 2021 ही रिकवर है रेंट 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव, तो जून 2021 में वो रिकवर कर रहे हैं गौरव से 10,000, टू होम ही हैज लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 2015 टू मार्च 2017, यहाँ पे वो मेनली 10,000 रिकवर कर रहे हैं क्योंकि वो रेंट में लिए थे, तो इसलिए 10,000 एरियर ऑफ रेंट रिकवर कर रहे हैं। ही कुड नॉट रियलाइज, तो वो रियलाइज नहीं किए थे 2 months का रेंट 20,000 फ्रॉम हिम, एंड टू दैट एक्सटेंट एक्चुअल रेंट वाज रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। मेनली बोल रहा है कि वो 10,000 का अनरियलाइज रेंट रिकवर कर रहा है, बट वो अनरियलाइज कितना था 2 months का 20,000 करके, वो अनरियलाइज रेंट था किससे, वो जो आनंद यहाँ पे कौन सा, वो जो गौरव से, हाँ गौरव से, वो 40,000 का अनरियलाइज रेंट था बट वो 10,000 रिकवर कर रहे हैं, तो जो भी रिकवर कर रहे हैं उसको टैक्स करा दें, बट उसमें से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस कर दें क्योंकि हम सेक्शन नंबर 25A में देख रहे हैं। उसके बाद हम फर्दर क्या कर रहे हैं, ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल, तो गौरव से जब वो लेट आउट दिए थे उसके गौरव के बाद वो अप्रैल 2017 से फरवरी 2021 तक सब इसको दिए हैं, इन अप्रैल 2019 ही हैज इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000 पर मंथ, तो वो क्या किए हैं कि तो जो अप्रैल 2019 से वो इंक्रीज कर दिए रेंट 12,000 से 15,000, बट दी सेम वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो वो जो मैटर है उसको जो टेनर नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 12,000 दूंगा, ये बोल रहे नहीं 15,000 मेरे को चाहिए, तो इसलिए वो डिस्प्यूट में गया है कोर्ट को। उसके बाद इन सेप्टेम्बर 2021 द मैटर वॉज फाइनली सेटल एंड मिस्टर आनंद रिसीव 69,000 ऑफ एरियर ऑफ रेंट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2019 टू फरवरी 2021, उसके बाद वो फाइनली वो जो केस सेटल हो गया सेप्टेम्बर 2021 एंड उनके लिए आनंद को मिला है 69,000 है, ठीक है 69,000 मिला है, तो यहाँ पे दो अमाउंट मिला है, पहला है 10,000 दूसरा है 69,000। वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद इफ सो इन व्हिच ईयर, तो यहाँ पे वो जो अनरियलाइज रेंट तो टैक्सेबल होगा क्या, अगर होगा कौन सा ईयर में एंड कितना अमाउंट होगा, तो मैं बता देता हूँ जिस भी ईयर में वो रिसीव करते हैं अनरियलाइज रेंट या एरियर रेंट, तो वहां पे उसी ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो ओनर है या नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो भी उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो दो अमाउंट मिल रहा है तो दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 79,000 हो रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे यहाँ पे 30% डिडक्ट कर देंगे क्योंकि एक ही 30% डिडक्शन मिलेगा,
तो ये 23,700, इसको अगर डिडक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है 55,300, ठीक है 55,300 यहाँ पे उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा एंड ये टैक्सेबल हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2021 and 2022 में, ठीक है 2021 and 2022 में इसको ये दिया है। बट अगर आप देखोगे तो हमारा नोट्स में बहुत अच्छे से मैं लिख के दिया हूँ एंड यहाँ पे है आपका जब ऑन ऑक्यूपाइड होता है मीन्स वैकेंट जब होता है तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या होता है सब कुछ इसमें है, ठीक है सब कुछ यहाँ पे है। इसमें से आप इसको फॉलो करिए सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ये है ऑन रियलाइज रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट 25A, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। तो वो जिस भी ईयर में टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एसेसी व्हेदर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी वही दिया है एरियर ऑफ रेंट में, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा इनकम इन द ईयर इन व्हिच प्रीवियस ईयर सच रिकवर दी ऑन रियलाइज रेंट। जिस भी ईयर में ऑन रियलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट रिकवर होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओनली 30% यहाँ पे रिकवरी अलाउड है डिडक्शन, जो भी अमाउंट है उसका 30% यहाँ पे अलाउड होगा। ये प्रोविजन लिख लेना तो आपका हो जाएगा। इतना सारा इंस्टीट्यूट जो भी प्रोविजन डाला है उसको मत लिखिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोविजन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 10 खत्म हो गया, उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 11 को चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे है इलुस्ट्रेशन नंबर 11 है, मिस अपर्णा ओन्स ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता अलोंग विद हर सिस्टर मिस डिंपल। तो मिस अपर्णा वो ओन्स कर रहे हैं, उनकी जो भी सिस्टर है मिस डिंपल के साथ एक हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता वेयर हर सिस्टर्स फैमिली रिसाइड्स, जो भी उनका सिस्टर उनकी जो सिस्टर है मिस डिंपल उनकी फैमिली रहते हैं वो तो कलकत्ता रेसिडेंशियल हाउस में। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, तो बोथ ऑफ देम दोनों का ही इक्वल शेयर है उनकी जो भी प्रॉपर्टी में एंड सेम इज यूज बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए वो यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन 50 lakh एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1 April 2020 फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट 50 lakh के ऊपर 10% दे रहे हैं जो मिस अपर्णा एंड जो भी टेकन किए थे 5 April 2020 में, ठीक है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में परचेज करने के लिए। इन एडिशन मिस अपर्णा ओन्स ए फ्लैट इन पुणे इन व्हिच शी हैड एंड शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड्स, तो मिस अपर्णा और एक हाउस ली है पुणे में जिसमें वो उनकी पेरेंट्स के साथ रहती हैं। उसके बाद शी हैज टेकन ए लोन 3 lakh एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1 October 2020 फॉर रिपेयर ऑफ दिस फ्लैट, तो उनके बाद वो एक लोन लिए थे 1 October 2020 में वो रिपेयर करने के लिए उस फ्लैट को 3 lakh का 12% इंटरेस्ट में ली थी। कंप्यूट द डिडक्शन व्हिच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड मिस डिंपल अंडर सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन बी, मीन्स इंटरेस्ट के लिए कितना यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा। तो चलो प्रीवियस पेज में हम देख लेते हैं कितने डिडक्शन मिलेगा ये दोनों को। तो यहाँ पे पहले अपर्णा के लिए देखेंगे, मिस अपर्णा के लिए देखेंगे, तो ये दोनों ही यहाँ पे लिए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के टोटल इनकम है नील, तो नील। उसके बाद हम इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो पहला हाउस के लिए इंटरेस्ट देखेंगे, तो पहला हाउस के लिए इंटरेस्ट अगर देखेंगे 5 lakh के ऊपर अगर देखेंगे 10%, तो 50 lakh है, 50 lakh का अगर 10% देखेंगे तो वो है 5 lakh, बट 5 lakh को हम सेग्रीगेशन करेंगे बिटवीन देम दोनों सिस्टर के बीच, तो ये आ जाएगा 2.5 lakh, बट यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट के लिए 2 lakh है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में 2 lakh के लिए डिडक्शन मिलेगा एंड यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी ली थी वो 1 April 1999 के बाद ली है, उसके बाद वो एक्विजिशन के लिए ली है एंड वो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट कर दी है, तो 2 lakh तक मिलेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट। उसके बाद पुणे हाउस के लिए वो रिपेयर के लिए ली है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा अगर देखेंगे 3 lakh के ऊपर अगर 12% देखेंगे वो ओनली अपर्णा ली है, तो इसलिए यहाँ पे 36,000 इंटरेस्ट है, ठीक है 3 lakh का, बट यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा 30,000 क्योंकि वो ली है रिपेयर के लिए, तो टोटल हो रहा है 2,30,000, बट यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपेशन हाउस में जो कि 2 lakh है। तो यहाँ पे 2 lakh डिडक्ट करने के बाद जो भी रहेगा उसको बोलेंगे मिस अपर्णा का डिडक्शन, टोटल तो 2 lakh मिलेगा बट यहाँ पे जो भी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 2 lakh। उसी तरह से हम देखेंगे मिस डिंपल का क्या होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी एनएवी नील है, उसके बाद इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे
टोटल 50 लाख के ऊपर अगर देखेंगे, 50 लाख के ऊपर 10% एंड वो डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो वो आ जाएगा 2.5 लाख है, बट मैक्सिमम यहाँ पे 2 लाख मिलेगा, ठीक है, 2 लाख मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव में आएगा उनकी जो भी इनकम है, ठीक है, 2 लाख दोनों का ही 2 लाख 2 लाख नेगेटिव में आएगा उनकी जो इनकम है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चलो चलते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है बट हम कंप्लीट करेंगे जो भी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ओनली ये एडिशनल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मिस्टर रमन इज ए को ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर रमन वो एक को ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी है एलोंग विथ हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मिस्टर रमन वो को ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी एंड वो होल्ड कर रहे एलोंग विथ हिज ब्रदर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे दिया एंड रुपीज दे दिया, तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया 1,60,000, फेयर रेंट दे दिया है 1,50,000, स्टैंडर्ड रेट दे दिया है 1,70,000 एंड रेंट रिसीव है 15,000 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 25,000 आउट ऑफ व्हिच 21,000 हैज बीन पेड। तो यहाँ पे वो लोन लिए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए एंड जॉइंटली टेकन किए थे एंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 25,000, बट आउट ऑफ 25,000 वो 21,000 पेड किए हैं एंड जो भी अनपेड अमाउंट है 4,000। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो इंटरेस्ट टोटल 25,000 देना था, उसमें से ये 21,000 पेमेंट किए हैं एंड जो बाकी 4,000 है उसके ऊपर इंटरेस्ट द अनपेड इंटरेस्ट इज 450 रुपीज। तो ये जो अनपेड अमाउंट के ऊपर फिर 450 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वो डिडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर फ्रेश लोन लेते हैं उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देते हैं तो वो डिडक्शन मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या दिया है, टू रिपे द लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज टेकन ए फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन 5%। मैं यही बोला था कि अगर लोन को रिपेट करने के लिए एक नया लोन लेते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 5,000 के लिए यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगा। एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस है 5,100 हैज बीन पेड बाय द टेनर। तो टेनेंट पेड कर रहा है ये डिडक्ट नहीं होगा, अगर लैंडलॉर्ड पेड करेगा तो वहां पे डिडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे द इनकम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ रमन, तो रमन के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। तो टोटल इनकम हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितना इनकम टैक्सेबल होगा रमन के हाथ में। तो उसके लिए हम पहले ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा यहाँ पे 1,60,000, उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे जो भी लोअर होगा। तो जो भी लोअर होगा तो यहाँ पे लोअर हो रहा है 1,60,000, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे ये जो 15,000 पर मंथ है, तो 15,000 पर मंथ है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो ये आ रहा है 1,80,000। यहाँ पे कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है तो यहाँ पे पूरा 1,80,000 को मानेंगे, ये जीए भी मानेंगे एंड यहाँ पे कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है तो इसको एनए भी मानेंगे, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 30%। तो वो जो 1,18,000 का अगर 30% देखेंगे 54,000 हो जाएगा, उसमें से हम इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट टू टाइप्स का है, एक है 25,000 और एक है 5,000। तो अगर टोटल मिलाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 30,000, ठीक है, ये दोनों डिडक्ट करेंगे, ये दोनों डिडक्ट करने के बाद कितना बचेगा 1,80,000 माइनस 54,000 माइनस 30,000, तो ये आ रहा है 96,000। तो 96,000 है टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद इसका रमन का शेयर कितना होगा, 1/2 होगा उसका शेयर, तो हाफ कर लेंगे तो इसका शेयर होगा 48,000 उसका शेयर ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करेंगे एंड एंड पे उसको डिवाइड कर लेंगे बाय 2। अगर दो कोन प्रॉपर्टी है, मेनली दो ही कोन प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है मिस्टर एक्स ओन से 1 रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई, मिस्टर एक्स वो ओन कर रहे हैं 1 रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई एंड द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। तो उस हाउस में 2 आइडेंटिकल यूनिट्स है, फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्युपाइड बाय मिस्टर एक्स एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 8,000 पर मंथ। तो यहाँ पे 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को उसको सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए यूज कर रहे हैं मिस्टर एक्स एंड दूसरा यूनिट को उसको लेट आउट में दिए हैं फॉर रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ है एंड द रेंटेड यूनिट वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ। तो वो वैकेंट है 2 मंथ के लिए ड्यूरिंग द ईयर, द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 आर एज अंडर। तो स्टैंडर्ड रेंट दे दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे दिया, फेयर रेंट दे दिया है, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स
15% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद लाइट चार्जेस यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि ओनली आपका जाता है म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट ये जाएगा, तो इंटरेस्ट ये जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 पर मंथ है, तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 750 हो जाएगा। उसके बाद लीज मनी, तो ये नहीं जाएगा, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं जाएगा, रिपेयर्स नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ओनली आपका म्युनिसिपल टैक्स जाएगा। दूसरा है यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, जो भी हाईलाइटेड है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 and 23। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा। तो इसका 1/2 सब ले लेंगे, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसका 1/2 ले लेंगे। तो पहले ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसके साथ ये कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोअर हो रहा है 1,85,000, तो यहाँ पे जीएवी कितना होगा। पहले तो एसओपी हाउस का देखेंगे, एसओपी में जो भी है, एसओपी ये 1/2 है, तो 1/2 के केस में देखेंगे यहाँ पे नील है, उसका एनएवी नील है, उसमें से हम इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट है टोटल 1500 पर मंथ है, तो 1500 पर मंथ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मंथ, तो कितना होगा 750 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 12, तो ये 9000 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9000 डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, ठीक है। उसके बाद एसओपी देखेंगे, तो एसओपी हो गया, एलओपी हाउस का देखेंगे, तो एलओपी हाउस का देखेंगे तो टोटल उसका जीएबी हो जाएगा 1,85,000 का मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे हो आ जाएगा 92,500। उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे, एम टैक्स, तो एम टैक्स कौन पेमेंट किया है, मिस्टर एक्स पेमेंट किए हैं ना, हाँ मिस्टर एक्स पेमेंट किए हैं, तो जो कि है 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, तो 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है यहाँ पे, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है 1,00,000 / 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15%, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स है 14,250 रुपीज। ये डिडक्ट होने के बाद जो भी बचेगा उसको बोलेंगे एनएवी, एंड उसमें से 30% डिडक्ट होगा, एंड इंटरेस्ट के लिए डिडक्ट होगा 1500 डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 9000, एंड यहाँ पे पहले देख लेते हैं कितना होगा, 92,500 माइनस 14,250 रुपीज, तो ये आ रहा है 78,250 रुपीज, उसमें से 30% मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रहा है 23,475 रुपीज। तो ये दोनों को लेस करेंगे तो कितना हो रहा है 9000 माइनस हो जाएगा 78,000 रुपीज, तो ये आ रहा है 45,775। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है लेट आउट प्रॉपर्टी का, एंड एसओपी का नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर इसमें से डिडक्ट करेंगे जो एसओपी का ये वाला हाउस का, पर ये दोनों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 36,775 है, ठीक है, 36,775 है। तो ये आपका क्वेश्चन, तो एलओपी का देखेंगे कितना लेंगे उसका जीएबी। तो यहाँ पे जो भी कंपेयर करेंगे ये दोनों के बीच, जो भी लोअर होगा, लोअर यहाँ पे है, यहाँ पे होगा 185,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 90 एक्सपेक्टेड रेंट है 92,500, बट यहाँ पे हम एक्चुअल रेंट देखेंगे तो एक्चुअल रेंट कितना है, तो एक्चुअल रेंट है कितना है 8000 पर, ठीक है, 2 मंथ वैकेंट है, तो इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल है 8000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, बट उसमें से 80,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिडक्ट हो जाएगा, बट ये टोटल अगर देखेंगे टोटल है
96,000 टोटल 96,000 जो कि ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कि 80,000 है, 80,000 को हम मानेंगे एक्चुअल रेंट जो भी है, एक्चुअल रेंट को मानेंगे यहाँ पे जीएबी, जीएबी से हम म्यूनिसिपल रेंट टैक्स करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट करेंगे, तो म्यूनिसिपल टैक्स होगा म्यूनिसिपल वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 14,250 रुपीज। तो इसको डिडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका एनएवी, एनएवी कितना आएगा 80,000 माइनस 14,250 रुपीज, तो यह आ रहा है 65,750 रुपीज। उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यह आ जाएगा 19,725। उसमें से हम ये जो इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी 1500 है, 1500 बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये 9000 हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर डिडक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है, ₹37,225। तो यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी का पॉजिटिव में इनकम आ रहा है, बट अगर एसओपी का देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव में इनकम आ रहा है। तो ये दोनों को अगर माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28,025 रुपीज, ठीक है, टोटल इनकम आ रहा है, ठीक है, इनकम आ रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को तो यहाँ पे है, मिस्टर विकास ओन है आउट प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट आर 96,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 1,26,000 है फेयर रेंट एंड 1,08,000 पर एनम है उसका स्टैंडर्ड रेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, 1/3 ऑफ द पर्सन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एट ए मंथली रेंट ऑफ 5,000 एंड द रिमेनिंग 2/3 पर्सन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपेशन बाय हिम। तो यहाँ उनका जो भी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेट बता दिए पर एनम का, उसके बाद वो 2021 एंड 22 में 1/3 को लेट आउट में लिए हैं एंड 2/3 को सेल्फ ऑक्यूपेशन में यूज किया है, जो तो मंथली लेट आउट प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट है 5,000, म्युनिसिपल टैक्स 11% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स उसके ऊपर 11% कैलकुलेशन होगा। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगेन इन जून 2014, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है जून 2014 में एंड कॉम्प्लीटेड हो रहा है 31 मई 2017 में, एंड विकास टू के लोन 1,00,000 ऑन 1 जुलाई 2014 में 1,00,000 का एक लोन लिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे 1,00,000 का एक लोन लिए हैं, उसके ऊपर हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये जो पीरियड के बीच जो भी पीरियड है उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट में, हम यहाँ पे 12%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लोन है इंटरेस्ट उसका कैलकुलेशन करें एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड, तो एवरी मंथ वो पेड कर रहे हैं इंटरेस्ट। कंप्यूट करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर विकास फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे। चलो यहाँ पे मेनली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का पहले कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे पहले एसओपी का वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, एसओपी का वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे जो कि 2/3, तो 2/3 लिख लेंगे, तो इसका एनएवी हो जाएगा नील, ठीक है, एनएवी हो जाएगा नील। तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 2 टाइप्स का इंटरेस्ट है, पहला है आपका नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट है करंट ईयर का, तो करंट ईयर का अगर देखेंगे ये है 1,00,000 है, 1,00,000 है, 1,00,000 के ऊपर 12% कंप्यूट करेंगे, तो 1,00,000 के ऊपर 12% कंप्यूट करेंगे तो कितना होगा, तो 12% यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। उसके बाद प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट देखेंगे तो यही 1,00,000 के ऊपर हम कंप्यूट करेंगे, बट यहाँ पे पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, तो पीरियड चलो हम कंप्यूट कर लेते हैं, तो पीरियड कब से कब तक देखेंगे, तो यहाँ पे लोन लिए थे कब से, लोन लिए थे ये जो 1 जुलाई 2014 से लिए हैं एंड कब तक हम कंप्यूट करेंगे, अप टू 31 मार्च 2017 तक कंप्यूट करेंगे, क्योंकि 17 से वो उस प्रीवियस ईयर से वो उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो ईयर तक हम कंप्यूट करेंगे। तो इसलिए 2014 में अगर देखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे है 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ है, उस पर 2015 में है 12 मंथ है एंड 2016-17 में रहेगा 12 मंथ, तो यहाँ पे टोटल 33 मंथ है, ठीक है, 33 मंथ है, तो 33 मंथ के लिए हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे 33 बाय 12 एंड उसका हम 1/3 करेंगे, ठीक है, इसका हम 1
1/5 करेंगे, क्योंकि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे अलाउ होता है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा 33, डिवाइड हो जाएगा 12, डिवाइड हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 6600 है टोटल इंटरेस्ट। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 12,000, तो 18,600 इसका हम कितना लेंगे, इसका हम ये जो 2/3 लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे कितना होगा 2/3, तो यहाँ पे 12,400 लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक प्लेस होगा, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, लॉस नेगेटिव में आएगा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यू लेंगे, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे कॉम्प्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉम्प्यूट करेंगे उसका पहले जीएबी कॉम्प्यूट करेंगे, तो जीएबी के लिए पहले म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर रहेगा, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर रहेगा, तो हायर ये वाला है, उसके साथ इसको जो स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा, तो लोअर यहाँ पे होगा 1,08,000, इसका हम क्या लेंगे, इसका ले लेंगे 1/3, उसका 1/3, तो ये आ जाएगा 36,000, ठीक है, ये आ जाएगा 36,000, एक्सपेक्टेड रेंट है 36,000। उसके बाद हम लेंगे एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कितना है, यहाँ पे 5,000 है ना, तो एक्चुअल रेंट है 5,000, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैकेंट या अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो टोटल 60,000 हो जाएगा 12 × 5,000, तो विच वेरी हायर, तो हायर रहेगा 60,000, तो 60,000 से हम म्यूनिसिपल रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स रिड्यूस करेंगे, एम टैक्स कितना परसेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है 11%, तो 11% देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3,520 रुपीज, 3,520 रुपीज, ये रिड्यूस हो जाएगा इससे 60,000 से, तो यह आ जाएगा 56,480 रुपीज, इसका हम 30% कंप्यूट करेंगे, तो यह आ रहा है, तो ये है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ रहा है 16,944, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट जो भी हम कंप्यूट किए थे 18,600, उसका हम 1/3 लेंगे, तो 1/3 कितना होगा, 18,600 का 1/3 है 6,200, तो ये दोनों को डिडक्ट करेंगे उसमें से, तो टोटल अमाउंट कंप्यूट हो जाएगा, टोटल 16,944 माइनस 56,480 रुपीज, तो यहाँ पे आ रहा है फाइनल अमाउंट 33,336, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे ये जो लॉस में से, हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस हुआ था सेल्फ ऑक्यूपेशन हाउस का, तो ये वाला, तो ये रिड्यूस करने के बाद कितना रहेगा यहाँ पे, तो 20,936, तो ये है नेट अमाउंट है, ठीक है, ये है नेट अमाउंट, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, मिसेस रोहिणी रवि एक सिटीजन ऑफ यूएस है, तो रोहिणी रवि एक सिटीजन ऑफ यूएस है एंड इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021 एंड 2022। मिसेस रोहिणी रवि वो एक सिटीजन ऑफ यूएस है एंड वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में है फॉर द फाइनेंशियल 2021 एंड 2022। शी होन्स ए हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजेलस, तो वो एक हाउस प्रॉपर्टी ओन की है लॉस एंजेलस में एंड यूएसए व्हिच इज यूज एज हर रेसिडेंट, तो उनको यूज कर रहे हैं एज हिज रेसिडेंस के लिए, मींस एसओबी के लिए यूज कर रहे हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस है $20,000 है एंड द वैल्यू ऑफ $1 है 75 रुपीज, इसका कोई भी यूज नहीं है क्योंकि एसओबी है, तो उसका हम एसओबी का वैल्यू लेंगे नील, ठीक है, एसओबी का वैल्यू लेंगे नील और कुछ आगे नहीं देखना है, इसको हम इग्नोर ही करेंगे, ठीक है, तो हम इग्नोर ही करेंगे। उसके बाद है सी टूक ओनरशिप एंड पोजिशन ऑफ ए फ्लैट इन चेन्नई, उसके बाद वो एक पोजिशन एंड ओनरशिप ली है चेन्नई में एक फ्लैट में 1 जुलाई 2021 में, विच इज यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, उसको वो यूज कर रहे हैं एज सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाइल सी इज इन इंडिया, जब वो इंडिया में थी तब वो उनको यूज कर रहे हैं एज सेल्फ ऑक्यूपेशन जो चेन्नई हाउस में। दी फ्लैट वॉज यूज फॉर 7 मंथ ओनली, फ्लैट ओनली 7 मंथ के लिए यूज हो रहा है ड्यूरिंग दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए 7 मंथ के लिए यूज हो रहा है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 3,84,000 पर एनम एंड दी फेयर रेंट है 4,20,000। सी पेड दी फॉलोइंग कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, मीन्स वो कुछ टैक्स पेमेंट किया है, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्वेरेज टैक्स 16,218 है। सी हैज टेकन ए लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन June 2019 फॉर परचेजिंग द फ्लैट, तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिए फॉर द परचेजिंग ऑफ द हाउस
कब लिए हैं? जून 2019 में। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है। प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट क्या क्या है? तो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है ये वाला है, क्योंकि करंट प्रीवियस ईयर वो शुरू हो जाता है, ये जो पीरियड है वो करंट प्रीवियस ईयर का है एंड ये प्रायर पीरियड का है। तो प्रायर पीरियड जो भी होगा उसको 1/5 अलाउ होगा एंड ये पूरा टोटल अलाउ हो जाएगा। ठीक है, टोटल अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है 49,200 एंड 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 50,800 एंड 5 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक है 1,31,300 है। उसके बाद सी हार्ड हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर, उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है बैंगलोर में विच वॉज सोल्ड इन मार्च, तो वो मार्च 2018 में सोल्ड कर दिए थे। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच सी हैज रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट 60,000 रिसीव किए हैं इन मार्च 2022। तो एक हाउस था जो कि बैंगलोर में सोल्ड कर दिए थे मार्च 2018 में, बाद में वो जो मार्च 2022 में एरियर ऑफ रेंट 60,000 रिसीव हो रहा है। ठीक है, एरियर ऑफ रेंट 60,000 रिसीव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे 30% ओनली डिडक्शन होगा एंड 60,000 से 30% डिडक्ट हो जाएगा, जो भी बैलेंस रहेगा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स एलियर, तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगा था, अभी लग जाएगा। अब क्या है, तो यहाँ पे कंप्यूट करना है, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोहिणी रॉबी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, कितना यहाँ पे इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाउस है तो दोनों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्जम्पशन ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम दो हाउस तक वो एसओपी ले सकता है, तो यहाँ पे दोनों हाउस को एसओपी ले लेगा। एंड इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे पहला है वो जो यूएस हाउस को एसओपी नहीं ले लेगा एंड यहाँ पे जो इंडिया का चेन्नई हाउस उसका भी एसओपी नहीं ले लेगा, उसमें से इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट ये जो 49,000 का 500 अगर 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,840 रुपीज एंड ये दोनों को मिलाएंगे, तो ये दोनों को अगर मिलाएगा 1,31,300 प्लस 50,800, तो ये टोटल 1,82,100 है। तो ये दोनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है 9,840 रुपीज, तो टोटल हो रहा है 1,91,940 रुपीज। तो यहाँ पे मेनली उसको कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, वो ली थी, तो इसलिए ये पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो रहा है 1,91,940 रुपीज, ये डिडक्ट होने के बाद जो भी बचेगा ये नेगेटिव में आएगा, 1,91,940 रुपीज ये नेगेटिव में आएगा। और एक है अनरियलाइज रेंट, एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है, अनरियलाइज रेंट 60,000 रिसीव हुआ है, उसमें से 30% डिडक्ट कर देंगे, तो 30% डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 60,000 का 30% डिडक्ट होने के बाद ये 42,000 पॉजिटिव में आ रहा है, बट ऊपर वाला नेगेटिव में आ रहा है, ये डिडक्ट होने के बाद कितना रहेगा, तो यहाँ पे 1,91,940 रुपीज, तो ये आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है 1,49,940 रुपीज, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, समझा गया। तो इतना उसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो जो इनकी है यहाँ पे मिस रोहिणी का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। टू ब्रदर्स अरुण एंड विमल आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, तो टू ब्रदर्स है अरुण एंड विमल है एंड वो को ओनर्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी है विद इक्वल शेयर है उनका। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 98 एंड 99 में वो कंस्ट्रक्शन हुआ है एंड द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स, तो वो जो प्रॉपर्टी में 8 आइडेंटिकल यूनिट्स है एंड सिचुएटेड एट कोची में है, केरला में है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021 एंड 22 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट ऑफ रेसिडेंस एंड द बैलेंस 6 यूनिट वेयर लेट आउट एट ए रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ, तो यहाँ पे ईच को ओनर क्या कर रहे हैं, टोटल इसको थोड़ा समझा देता हूँ, टोटल ये 8 यूनिट बनाए हैं। ठीक है, टोटल ये 8 यूनिट बनाए हैं, तो उसमें से 2 यूनिट को वो एसओपी यूज किए हैं एंड बाकी जो 6 यूनिट को आज एलओपी यूज किए हैं। एंड इसका अगर परसेंटेज देखेंगे ये होगा 25% एंड ये होगा 75%, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे रेंट कितना है, रेंट है 12,000, ये जो 6 यूनिट के लिए 12,000 है रेंट है। उसके बाद द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 9 लाख एंड म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे देख लेते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल टैक्स है 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख के ऊपर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलो, तो अदर एक्सपेंसेस क्या है, तो अदर एक्सपेंसेस अगर देखेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं जाएगा, रिपेयर नहीं जाएगा, ये दोनों नहीं जाएगा, बट इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख है, तो 3 लाख मेनली इंटरेस्ट वो जाएगा, 3 लाख इंटरेस्ट जाएगा। वन ऑफ द लेट आउट
यूनिट्स रिमेन वैकेंट फॉर 4 मंथ, तो एक लेट आउट यूनिट्स 4 मंथ के लिए वैकेंट है, तो उसको 4 मंथ के लिए रिड्यूस कर देंगे जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी का रेंट है। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पे अरुण वो 6 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपेशन नहीं कर पाया क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया चेन्नई को, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, तो कोई भी हाउस वहां पे वो ओन नहीं किए हैं। द अदर इनकम ऑफ द अरुण का है 2,90,000 एंड विमल का है 1,80,000 रेस्पेक्टिवली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द टोटल इनकम ऑफ द टू ब्रदर्स यहाँ पे कंप्यूट करना है। तो चलो पहले क्या करेंगे, एसओपी का इनकम कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। पहले एसओपी का इनकम कंप्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसओपी के लिए यहाँ पे लेंगे अरुण का, और उनका एंड यहाँ पे लेंगे विमल का, ठीक है, जिससे आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे पहले एसओपी का लेंगे, एसओपी का कितना परसेंटेज है, एसओपी का है 25% है, ठीक है। तो यहाँ पे 25%, तो उसका एनएवी नील ले लेंगे, नील रहेगा एंड उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, तो इंटरेस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कब से लिया है 98 एंड 99 में, मीन्स यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 30,000 मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो 98 एंड 99 से पहले लिया है, तो इसीलिए इंटरेस्ट टोटल तो 3 लाख है, ठीक है। तो 3 लाख का हम पहले क्या करेंगे, उसका 25% कंप्यूट करेंगे, ठीक है। 3 लाख का अगर 25% कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 लाख का अगर 25% देखेंगे तो ये हो रहा है 3 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 25%, ये हो रहा है 75,000, ठीक है, 75,000 हो रहा है, यहाँ पे 75,000 हो रहा है दोनों का, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2, क्योंकि इसको ओनर का कैलकुलेशन करना है, तो ये हो रहा है 35,500, बट मैक्सिमम यहाँ पे 30,000 का मिलेगा, ठीक है, 30,000 का मिलेगा, तो इसीलिए इसको 30,000 हम डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा दोनों का एसओपी का 30,000 30,000। उसके बाद हम एलओपी कैलकुलेशन करेंगे, तो एलओपी कैलकुलेशन करेंगे, तो एलओपी के लिए हम देखेंगे इसका पहले म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है 9 लाख, और क्या दिया है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू को हम यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है ओनली, तो म्यूनिसिपल वैल्यू का हम ले लेंगे यहाँ पे उसका थोड़ा नीचे इसका कैलकुलेशन करेंगे एलओपी का वैल्यू, ठीक है, एलओपी का वैल्यू थोड़ा नीचे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल 9 लाख है, उसका हम लेंगे 75%, ठीक है, 75% लेंगे, तो 75% कितना होगा, हम यहाँ पे 9 लाख का 75%, तो ये हो रहा है 6 लाख टोटल के ऊपर यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं कंप्यूट कर पाएंगे, टोटल के ऊपर कंप्यूट करेंगे एंड आपका एक्चुअल रेंट, ये है एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि अलग कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, तो इसको हम मानेंगे एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट देखेंगे। तो एक्चुअल रेंट कितना है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट है टोटल 6 यूनिट है 12,000 पर मंथ है, बट एक यूनिट का वो 4 मंथ के लिए नहीं रियलाइज कर पाए, तो यहाँ पे टोटल 12,000 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 यूनिट एंड 12 मंथ, उसमें से हम एक हाउस का 4 मंथ के लिए 12,000 नहीं रिकवर कर पाए हैं, ठीक है, नहीं रिकवर कर पाए हैं 12,000 है ना, और इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है, 12,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, उसमें से हम 48,000 अगर डिडक्ट करेंगे तो ये हो रहा है 8,16,000 है, तो यहाँ पे विच वर इज हायर, तो हायर लेंगे ये एक्चुअल रेंट 8,16,000 है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू का 6,75,000 का, आई थिंक ये जो 6,75,000 का आई थिंक 20% होगा, ठीक है, 20% है, तो यहाँ पे हम इसका 20% कैलकुलेशन कर देंगे, इसका 20% है, ये है 1,35,000 अगर डिडक्ट करेंगे तो ये हो रहा है 8,16,000 है, तो यहाँ पे 6,81,000 है, उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% डिडक्ट करेंगे, तो इसका 30% 6,81,000, तो ये आ रहा है 2,04,300, इसको इंटरेस्ट से भी डिडक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, तो इंटरेस्ट अगर देखेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट है 3 लाख
तिलक का अगर 75% देखेंगे तो यहाँ पे 2,25,000 डिडक्ट कर देंगे, ये नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, 2,25,000 इसको डिडक्ट करेंगे तो डिडक्ट करने के बाद कितना आ रहा आएगा, तो ये आएगा 2,04,300 माइनस 6,81,000 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे आएगा 2,51,700। ये है टोटल एलओपी का है, उसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन देम, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 1,25,850 पर ईच ओनर, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग कंप्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकम है उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि एलओपी का भी हम जो भी डिवाइड करके जो भी आया है वैल्यू 1,25,850 रुपीज, यहाँ पे भी 1,25,850 रुपीज, इसको हम सेटअप करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 95,850 रुपीज, इसका भी आ रहा है 95,850 रुपीज, ये दोनों का आ रहा है। उसके बाद उनकी जो भी अदर इनकम है ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम भी दिया है क्वेश्चन में, ये मेनली टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछ लिया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद उनका जो अदर इनकम का वैल्यू देख लेंगे, अदर इनकम कितना है 2,90,000, 1,80,000, 2,90,000, 2,90,000, 1,80,000, तो टोटल अगर ऐड करेंगे कितना हो रहा है ये दोनों का, तो इसका हो रहा है 3,85,850 रुपीज, एंड इसका हो रहा है 95,850 रुपीज प्लस 1,80,000 है, तो ये हो रहा है 2,75,850 रुपीज, तो टोटल इनकम हो रहा है ये दोनों का। ठीक है, टी आई मीन्स टोटल इनकम। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, आपको इजी होगा इसलिए हम सॉल्व किए हैं, आपका टाइम बचेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है चलेगा, बट हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, उसके बाद हम चलो चलते हैं बीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो चैप्टर है उससे भी बड़ा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी बड़ा है, बट उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो चलो हम चलते हैं बीजीबीपी चैप्टर।